गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। और नीचे में गया था, नीचे से चाबी लेकर ऊपर आया। ऊपर आके मैंने आपको बताया था कि मैंने एक लिम्बोई का कलम किया है, तो वो देखने आया था। 3 दिन से देखा नहीं गया क्योंकि बारिश आ जाती है। रोज़ मैं आता हूँ शाम को और बारिश आ जाती है तो आ नहीं पाता हूँ। तो अच्छी ग्रोथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर नीचे चलते हैं, सबको जय श्री कृष्ण करते हैं, फिर निकलते हैं। ठीक है, तो देखे ये मैंने लगाई हुई थी और ये यहाँ पे आ गई है। बहुत मस्त, एकदम बढ़िया तरीके से हो गई है ग्रोथ। और अभी बारिश का मौसम है तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये देख लिया। और पानी का तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि शाम से बारिश हो रही है, सुबह तक लगातार। ज़्यादा नहीं हुई थी मगर थोड़ी 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 चालू ही गई थी, मगर इसकी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नीचे है तो नीचे नहीं आते हैं, जब आएंगे तो मिल लेंगे। बारिश पूरी रात आई है तो देखते हैं कैसा माहौल है। ये हमारा गुलाब यहाँ पे कड़ी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, एक यहाँ पे आई है। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं बाद में। देखो ये भाई साहब, इसको देख रहे हो, बेशक देर नाइट तक जगने का परिणाम देखो। 3-3, 4-4 बजे तक सोता नहीं है, फिर दोपहर को खाना बनाने जाता है तो खाना जल जाता, तब तक उसका नींद नहीं उठता। देखो ये भाई साहब, तो देखो देखो आले आले। देखो इसको और कौन है दूसरा देर नाइट तक कौन जगता है दूसरा और कौन है दूसरा। तो गाइस, मैं कंपनी से तो वापस आ चुका हूँ, मगर आते ही तुरंत धर्मिष्ठा का फोन आया कि मंडी में हूँ और मुझे ले जाओ, क्योंकि वो सब्जी खरीदने आई है, लेने आया हूँ, मगर वो नहीं दिख रही है, शायद अंदर होगी मंडी में। तो आज मेरा कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन पार्टी नहीं की थी दोस्त के साथ, तो वो लोग मांग रहे थे क्योंकि वो कुछ उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम था तो नहीं हुई। तो आज पार्टी ले उसको सबके साथ खाना खाने, तो देखते हैं वो आएगी तो तुरंत चलेंगे घर पे, उसको छोड़ के जाएंगे क्योंकि शाम के 7 तो बज चुके हैं। तो मैं घर पर आ चुका हूँ और घर पे आके मैं फ्रेश हो गया, और फ्रेश हो के अब थोड़ी देर बैठा तो फोन आ गया। तो अब चलते हैं सीधा होटल और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सब, खाना खाएंगे और वापस आके फिर सो जाएंगे। तो गाइस, खाना पीना तो हो चुका है, मगर वापस आते वक्त इतना बारिश हुआ कि पूरा का पूरा भीग गए, और घर पे आते वक्त यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। तो पहले मैं आ तो चुका हूँ, मगर अब नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। तो गाइस, मैंने और विनीत ने तो नहाना नहा लिया है, और अब विनीत को स्पेलिंग पाका करना है। तो क्योंकि स्कूल में जब आज गया था ना, तो स्पेलिंग उसको आया नहीं था,
अच्छी तरह से कंठस्थ करवाना पड़ेगा। तो आज मैं अभी उसको कंठस्थ करवाता हूँ, बाद में सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। बाय।